बदावास थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम पायगा का मामला है, जहां पर भरत धाकड़ निवासी झाडोल और उसके साथियों ने पायगा के मतदाताओं पर कुल्हाड़ी से हमला किया। बताया जा रहा है कि ब्रजभान धाकड़ और उनकी पुत्री खुशबू धाकड़ पायगा जब रामगढ़ से अपनी 10वीं के अंक सूची लेकर अपने घर जा रहे थे, तभी झांडेल निवासी भरत धाकड़, शंभू धाकड़ और उनके साथियों ने ब्रजभान धाकड़ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और बोला कि पायगा के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, इसीलिए हमें हार का सामना करना पड़ा, अब हम तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। दबंगों ने दो लोगों पर कुल्हाड़ी से वार किया और एक आदिवासी को लात घूंसे से जमीन पर पटक पटक कर मारा। सर, अभी एक विवाद आया थाने में, सर क्या मामला है पूरा? आज सुबह 9 बजे थे पायगा का ब्रजभान सिंह धाकड़ अपनी बच्ची की टीसी कटवाने ग्राम गढ़ गया था। गढ़ से टीसी कटवा कर वापस आ रहा था तो मोकंग के फार्म के सामने बीच रास्ता में इनको जाने से रोक दिया और इनकी गाली गलौज की और बोले कि तूने हमको वोट क्यों नहीं दिया, और मारपीट की कुल्हाड़ी हो रहा था। सर कितने लोग थे करीब हमला करने वाले? 4 आदमी थे। तो कितने लोगों के चोट आई है? चोट आई है ये इसके ब्रजभान सिंह के चोट आई है। सर बताया जा रहा है कि उनके हाथ में बच्ची भी थी, उसके सरकारी कागज फाड़ दिए, फाड़ दिए उसके कागज कुछ फाड़े हैं, एक प्रमाण पत्र ले गए उसके। सर मामला क्या था पूरा टोटल? चुनावी रंजिश पर से मार दिया। दादा जो हाथ में चोट लगी है, किस बात को लेकर विवाद हुआ आप लोगों का? पिछले विवाद हुआ, हम तो मैं बैठ कर हुआ साहब गाँव से बाहर, भरत बंटी और सिंभू और दो अटलपुर के तीन मोटरसाइकिलों से आकर और वो पकड़ कर चेट रखती थी। किस बात को लेके? चुनाव के, चुनाव हारने का। तो वो चुनाव हार गए हैं, जीता कौन है? तूफान से जीते। तो इसने पैसे में ही से बांटे थे क्या लोगों के लिए वोट के? तो सर पैसे ही विवाद हुआ है, हार गए जीतने के चक्कर। बोले वोट क्यों नहीं दे तुमने, ये बात। आपका नाम? सुरेश। दादा सभी लोग थाने में आए हो, किस बात को लेके आए हो, क्या विवाद हुआ आप लोगों के बीच में? सर ग्राम पायगा से लड़की की अनुसूची लेने गया था, वहाँ से वापस लौटते समय रास्ता में इधर से तीन मोटरसाइकिलों से भरत, शंभू, बंटी और दोनों उनके बुआ के लड़का अटलपुर के, उनका नाम प्रकाश वगैरह का नाम है, प्रकाश बंटी, जाके रास्ता में मोटरसाइकिल रोकी शंभू, तीनों बोले कि आप सब वो क्या कहते हैं रिश्तेदारी का मतलब ये है, एक तरफा वोट पूरी पायगा के। मैंने कहा सर मैंने अकेले ने थोड़ी डाले हैं एक तरफा वोट ग्रामवासियों ने सब ने डाले हैं, जय भी छेट गए मुँह में, लड़की ने मुझे बचाया, लड़की को धक्का दे नीचे फेंक दिया, कागज पटा दी लड़की से बोले अगर तू नहीं होती तो जान से मार दे। ये कागज फाड़े हैं वो किसने फाड़े हैं? भरत ने और बंटी। किस बात को लेके विवाद था? वो हम वहाँ से आ रहे थे घर से टीसी लेने के लिए, गए थे स्कूल से, वहाँ से आते समय उन्होंने गैल रास्ते में रोक कर गाड़ी आगे अड़ा दी, फिर हम वो पापा जी से बोलने लगे कि आपने ये ऐसा क्यों किया, तो एक तरफ वोट दे दिए, तो पापा जी ने बोला कि मैंने अकेले दोनों जिताए हैं, सभी ने जिताए। चुनाव को लेकर लड़ाई हुई। आपका नाम? खुशबू धाकड़।